दोस्तों तुम 24 घंटे अपने आप को ना चुपचाप ऑब्जर्व करो, एक डायरी लो और डायरी में लिखो कि 24 घंटे मैं सुबह से शाम तक क्या क्या विचार करता हूं, क्या क्या सोचता हूं, क्या क्या कर्म करता हूं जो मेरे अनहैप्पी के कॉजेस है। दोस्तों जब तक तुम बैठ के ये लिखोगे नहीं, आप एनालिसिस करोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो कैसे मुक्त हो जाओगे, निकालोगे कैसे? दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हर व्यक्ति को संसार में आनंद चाहिए, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा और किसको पड़ी है तुम्हें आनंद देने की? दोस्तों आप तो हर पल आप जो सोचते हो, आप जो एक्शन लेते हो, आप जो कर्म करते हो, वही तो तुम्हारा भविष्य और भाग्य बना रहा है ना भाई। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हें आनंद मिले, तो आनंद के बीज डालने की कला तो सीखो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 24 घंटे तो तुम जीवन में नरक पैदा करने के कारण पैदा करते हो। सुबह उठते इरिटेट हो जाते हो किसी बात पे, पानी गर्म नहीं हुआ, तौलिया नहीं रखा, कि चाय टाइम से नहीं बनी, कि चाय ढंग से नहीं बनी, कि नाश्ता तैयार नहीं हुआ, कि तुम्हारे कपड़े आयरन नहीं हुए, कि काम वाली बाई नहीं आई, कि धूप टाइम से नहीं आया, कि ट्रैफिक बहुत जाम मिली, या किसी ने तुम्हारे पैसे अभी तक दिए नहीं, या कोई तुम्हें फोन नहीं कर रहा है, या तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा है, या तुम्हारे अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर रहा है। दोस्तों तुम 24 घंटे अपने आप को ना चुपचाप ऑब्जर्व करो, एक डायरी लो और डायरी में लिखो कि 24 घंटे मैं सुबह से शाम तक क्या क्या विचार करता हूं, क्या क्या सोचता हूं, क्या क्या कर्म करता हूं जो मेरे अनहैप्पी के कॉजेस है। दोस्तों जब तक तुम बैठ के ये लिखोगे नहीं, आप एनालिसिस करोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो कैसे मुक्त हो जाओगे, निकालोगे कैसे? इसीलिए एक डायरी बनाओ और लिखो कि सुबह से लेकर शाम तक मैं इन इन बातों से अनहैप्पी होता हूं, दुखी होता हूं, तनावग्रस्त होता हूं, चिंतित होता हूं, गुस्सा करता हूं। लिखो उसको और फिर क्या क्या चीजें मेरे जीवन में आनंद देती है, प्रेम देती है, शांति देती है, वो कारण लिखो, खुशियों के कारण लिखो कि क्या हैप्पीनेस के कॉज है तुम्हारे जीवन में, कोई रचना करने से, कुछ सीखते रहने से, किसी की मदद कर देने से, या अच्छी फिल्म देख लेने से, या कोई अच्छी कविता लिख देने से। अरे भाई 500 चीजें होगी तुम्हारे जीवन में आनंद की, कुछ तो होगा, तो उसका लिखो तो सही, और उसके साथ अगर जुड़ोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके बीज डालोगे, तो फिर खुशी के फल आएंगे ना। जब तुम डालते ही नहीं हो तो क्यों आ जाएंगे? अरे अपने आप को ध्यान से देखो, पूरे 24 घंटे में ना तुम्हारे 90% तुम्हारे जो रिएक्शन है ना, तुम्हारे जो सोच है ना, तुम्हारे जो कर्म है ना, वो सिवाय दुख तनाव और चिंताओं के कुछ नहीं है। सिर्फ 10% कोई मिल जाए तो थोड़ी देर हंस लेते हो, मुस्कुरा लेते हो, या 10 मिनट थोड़ा इधर उधर कोई कोई चीज फिल्म देख ली, कोई टीवी देख लिया, कोई समाचार सुन लिया, उतना ही, उससे ज्यादा तुम्हारे जीवन में आनंद का कोई बीज ही नहीं है। 90% तुम्हारे बीज ही गलत है, नरक पैदा करने के बीज है। तो दोस्तों स्वर्ग कैसे पैदा हो जाएगा? तो इसीलिए पहचानो और जागो और जाके आनंद के बीज डालने की कला सीखो। तो आनंद के बीज कहां मिलेंगे? आनंद अभी है भाई, इसी वक्त है, भूतकाल में नहीं है, भविष्य काल में नहीं है, ध्यान रखना। अभी
कोई भी कृत्य कर रहे हो ना, उसको पूर्णता के साथ करो, आनंद के साथ करो। देखो काम तो रोज जीवन में करना है, झाड़ू रोज लगनी है, ऑफिस रोज जाना है, रोटी रोज बननी है ना, कपड़े रोज धोने हैं, या और भी 500 काम है भाई, रचनाएं रोज करनी है कि किसी का, किसी की सेवा रोज करनी है, 500 काम है दुनिया में। मैं कहता हूं मजे से करो तो सही, आनंद से करो तो सही। ये तो कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तुम्हें आनंद के बीज डालने की कला सीखनी पड़ेगी। देखिए दो चीजें होती है, एक तो आनंद है और एक आनंद क्रिएट करना पड़ता है, जागकर चुनाव करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह की कला सीखो और आनंद के बीज डालो तो तुम्हारा आने वाला भविष्य सिवाय स्वर्ग के और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने तो अपने जीवन को ऐसे बनाया है, मेरी मर्जी के बिना है ना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे लिए नरक नहीं क्रिएट कर सकता, ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो जहन्नुम में बैठकर भी स्वर्ग क्रिएट कर देता हूं। मैंने अपने बारे में एक शेर लिखा कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। दोस्तों भगवान भी डरता है कि इस कंबक को नरक नहीं भेजूंगा, कंबक स्वर्ग खड़ा कर देगा ये। तो दोस्तों इस पल को स्वर्ग बनाने में कौन तुम्हें रोक रहा है? क्यों इस जीवन को रो रो के, सर फोड़ फोड़ के, दोष दे दे के, ब्लेम कर करके, कंप्लेन कर करके, क्रिटिसाइज कर करके, तोल तोल के, तराजू में तोल तोल के क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो यार? तुम जो सोचोगे जैसा करोगे वैसे ही हो जाओगे ना। तो उससे अच्छा है कि हर पल प्रार्थना, पूजा, कृतज्ञता, आनंद, उत्सव में जीने की आदत तो डालो, तो फिर आगे का भविष्य स्वर्गमय होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूं और आपके जीवन में खूब आनंद बरसे इसी की कामना करता हूं।